नमस्कार, घमासान हेल्थ टिप्स में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बाजार के कोल्ड ड्रिंक, जूस और सोडा वगैरह पीना मुनासिब समझते हैं, जबकि जिम के तुरंत बाद इन सभी ड्रिंक्स का हमारे शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, तो जिम के बाद भूलकर भी इन ड्रिंक्स को ना पिए। जिम में वर्कआउट करने के बाद हम पूरी तरह थक जाते हैं, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है, गला सूखे रेगिस्तान की तरह पानी की दरकार कर रहा होता है। ऐसे में हमारा हाथ पानी की बोतल पर ही आकर रुकता है, लेकिन वहीं कुछ लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बाजार के कोल्ड ड्रिंक, जूस और सोडा वगैरह पीना मुनासिब समझते हैं, जबकि जिम के तुरंत बाद इन सभी ड्रिंक्स का हमारे शरीर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसे ही ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जिम के बाद तो आप भूल कर भी ना पिए। किसी भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या सोडा वाटर, जिम के बाद भूलकर भी इनका सेवन ना करें। आपको भले ही उस वक्त थकान हो और इन्हें पीने के बाद एनर्जी मिलने का एहसास हो सकता है, पर वो हमारे शरीर को नुकसान ही कर रहा होता है, कोई फ़ायदा नहीं। बाजार में दो तरह के जूस मिलते हैं, एक पैक्ड और दूसरा अनपैक्ड। हमेशा अनपैक्ड जूस ही पिएं। पैक्ड जूस में मौजूद हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आपके शरीर को मोटा बनाता है। कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, ऐसे में वो चाय पीने का केवल बहाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन जिम के बाद चाय पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। चाय कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आती है, और अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तो आपके शरीर पर इसका असर दिखना स्वाभाविक है। अल्कोहल आपके शरीर को डिहाइड्रेट करती है, तो अगर आपका शाम के जिम के बाद पार्टी में पीने का प्लान है तो इसे बिल्कुल अवॉइड करें। जिम से आने के बाद आप पानी, नारियल पानी, फ्रेश अनपैक्ड जूस और दूध जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।